लॉकडाउन में सबसे अधिक भिखारी, अपंग, बाबी आदि प्रभावित हुए हैं, क्योंकि ये दूसरों पर आश्रित थे। सामान्य स्थिति में तो लोग और ढाबे आदि वाले इनको खाना उपलब्ध करवा देते थे, लेकिन लॉकडाउन में बैजनाथ के कुछ व्यापारियों द्वारा हेल्पिंग हैंड टीम, 7-8 लोग उनके लिए लाइफ लाइन बनकर सामने आए हैं। ये टीम रोजाना 70 लोगों को खाना परोस रही है। ये टीम 24 मार्च से लगातार महाराजा पैलेस बैजनाथ में भोजन बनाकर बैजनाथ पपरोला में रह रहे लाचार लोगों को भोजन की व्यवस्था कर रही है। इसके साथ जो पुलिस कर्मी बाहर से आकर बैजनाथ पपरोला और घट्टा सीमा में ड्यूटी दे रहे हैं, उनके दोपहर के भोजन की व्यवस्था भी महाराजा पैलेस में पिछले 1 महीने से की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान ये टीम लगभग 20,000 लोगों को खाना खिला चुकी है। व्यापारी वर्ग के हेल्पिंग हैंड टीम के सदस्य राकेश कुमार ने बताया कि हमारी टीम 24 मार्च से भोजन बनाकर भिखारियों, अपंगों और पुलिस वालों को खाना खिला रही है, और जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक लोगों की सहायता करते रहेंगे। सबसे पहले तो एसडीएम मोविदा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारे को खाने के लंगर की जो परमिशन दी हुई है। इसमें जो हम लगभग 1 महीना हो गया, कुछ हम जो यहाँ के 7-8 व्यापारी वर्ग है उन्होंने इकट्ठा जो है लंगर चलाया हुआ है। कई साधु संतों को खाना नहीं मिल रहा था, उनके लिए हम खाने का इंतजाम किया है, और बाकी जो बाहर से पुलिस वाले आए हैं वो भी यहाँ खाना खाते हैं, और इसमें जो है 60-70 लोगों की व्यवस्था की है। लगभग इसको 1 महीना हो गया हमारे को चलाते हुए, तो जितना भी हमारे से हो सका हमने जितनी सहायता हुई गरीबों की वो हमने की। बैजनाथ से विजय की रिपोर्ट।